ठीक है। इस पहले हमने देखा था कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को कैसे अनरैप करते हैं। अभी हम लोग अनरैपिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करना है, वर्क स्पेस को लेंगे और यहाँ से यूवी एडिटिंग स्विच कर लेंगे। ठीक है, यूवी एडिटिंग स्विच करते हैं, आपका यहाँ पर यूवी एडिटर आपका आ जाएगा। अभी देखो, छोटे छोटे पार्ट्स को हमने पहले क्या करते हैं, अनरैप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पार्ट है, ऑल टच कर लो। इस पार्ट को मुझे अनरैप कैसे करना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा पार्ट शेप से, मेरे पास यहाँ पर अभी शेप्स को समझने में देखो, यहाँ पर कैसा फ्लैट है, प्लेन से बनाया। तो हम लोग यूवी में जाकर प्लानर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रिएट में आके मैंने यहाँ पे प्लानर किया, प्लानर देखो प्लानर कैसा आ रहा है, प्लानर क्लिक किया, एक क्लिक किया, देखो यहाँ से दिखना है अभी। ठीक है, अभी प्लानर में मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी में गए और प्लानर पे गए, यहाँ से प्लानर पे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लानर का ऑप्शन बॉक्स पे गया, एडिट एंड रीसेट, एक्स पे क्लिक किया, ये आ गया। देखो एक्स पे ऐसा दिख रहा है, वाई पे क्लिक करो, वाई आ गया। तो आपका वाई देखो पूरा कम्प्लीट ये कवर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वाई भी पार्ट आ गया, ये हमारा काम कर जाएगा यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड असाइन किया मैंने यहाँ पे, चेकर्स ले कलर चेकर्स। देखो अभी ये कैसे स्ट्रेच आ रहा है। अभी इन चीज़ों को हमें तो समझना है कि देखो चीज़ों को हम लोग काम करते हैं, जैसे फोर किया, फाइव किया, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब इसमें पार्ट कितने, ये समझो, आज इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, नीचे वाला एजिस को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ये पूरा एजिस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ पे। कट किया, कट करने का मतलब क्या है समझो, यूवीज पे गए यहाँ पे, देखो सेल को सेलेक्ट किया, एक को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट एंड डब्लू, यहाँ से मैं मूव करके दिखा सकता हूँ। तो ऊपर वाला पार्ट आपका अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट आपका अलग हो गया। ये हमने चारों तरफ से कट किया तभी हुआ, ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। अभी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइव सिक्स प्रेस किया, देखो कैसे स्ट्रेच है। तो इसे स्ट्रेच वाले को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड पे मैंने क्लिक किया, अनफोल्ड हुआ क्या, देखो तो प्रॉपर आपका नंबर बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि भाई आपको अनफोल्ड करना है तो अनफोल्ड कैसे करोगे। इसमें अनफोल्ड करने का प्रोसेस भी है, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, अनफोल्ड पे यहाँ पे किया, देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, एक अनफोल्ड करने का दूसरा प्रोसेस रहता हूँ, राइट क्लिक किया, यूवीज पे गए, शिफ्ट राइट क्लिक एंड अनफोल्ड। अनफोल्ड में आप ऑप्शन है यू, अनफोल्ड में ऑप्शन यहाँ पे वी, देन यहाँ चेक कर लेते हैं देखो यू एंड वी में कितना प्रॉपर दिख रहा है। यही काम हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अनफोल्ड पे गया, अनफोल्ड पे क्या यू, अनफोल्ड पे गए वी, तो ये देखो प्रॉपर आपका यहाँ पे दिखेगा। तो भी हम लोग को ऐसा करके कुछ अनरैप करना है ताकि हमारी चीज़ें अच्छी दिखें, नंबर्स प्रॉपर क्लियर हो रहे हैं। तो हम लोग अनरैपिंग करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने किया यूवी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे अलाइनमेंट था। अभी यहाँ पे कुछ काम आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, जैसे कि अरेंज लेआउट है, जैसे यहाँ दिख रहा है ये पार्ट, हमने देखा था कि भाई इससे क्या होता है, ओरिएंटेशन ये कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, गदर सेल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, एक साथ ऐसा इकट्ठा कर दे रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, और रैंडमाइज सेल्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, स्टैक सिमिलर, सिमिलर देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, स्टैक, ये देखो स्टैक एंड ओरिएंट करके यहाँ पे, तो ये पार्ट आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे लाइक ट्राई करना है कि भाई मेरे पास कैसे क्या पार्ट है, चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड हो रहा है तो टिल्टेड करना है तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, स्टैक सिमिलर रैंडमाइज करना है रैंडमाइज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, गैदर सेल, तो ये आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, आपको देखो ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। गैदर सेल में देखो एक साथ अलाइनमेंट दिखा दें यहाँ पे, तो ये भी आपका पार्ट होता है, आपको अगर ऐसे भी कुछ काम करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे लेआउट कर दिया, लेआउट में ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर दिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो धीमे धीमे हम लोग सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अनरैप करते जा रहे हैं। तो ऑल टच किया मैंने यहाँ पे, जैसे हमने मॉडलिंग किया वैसे हम लोग अनरैपिंग भी करेंगे। जैसे हम लोग वन बाय वन करके बनाते हैं फिर ये बीच में ब्रिज करते हैं, तो ये हमें प्रोसेस हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या करना, जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो अब समझ में नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा ऑब्जेक्ट लिए ऑटोमेटिक करते हैं, ऑटोमेटिक किया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड दिख रहे हैं, तो सारे पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फेसेस, यहाँ सेलेक्ट करो या फिर यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करोगे देखो। यहाँ पे अभी मुझे जब मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो किसी भी काम को करने के लिए मैं यहाँ पे देखो अपने टेक्सचर को यहाँ पे रेफरेंस इमेज को मैं ध्यान दूंगा क्या यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस इमेज में यहाँ पे क्या ये कनेक्टिविटी यहाँ पे अभी देखा है, तो दो पार्ट में ये अलग ये पार्ट अलग कर सकते हो या एक में भी कर सकते हो,
इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिला के करना, तो ये पार्ट ऐसा और ये पार्ट ऐसा होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे सिलेक्ट करो फेसेस, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करो, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा। तो ये पार्ट आपको देखना है, यहाँ पे यूवीज पे गए, यूवीज टू सेल, कंट्रोल प्रेस करके सेल करना, इसको आप उठा के साइड में रख सकते हो। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके अभी यहाँ पे काम करने के बाद क्या है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पे देखो ये फेसेस कहाँ है, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हो। तो मॉडलिंग में हमने सिलेक्शन का प्रोसेस तो हमें सीखा ही है ना, यहाँ से अगर मैं मूव करके यहाँ पे देखूँ तो देखो ये पार्ट यहाँ से है लेकिन यहाँ पे कट नहीं है, ये पार्ट ठीक है, ठीक है कट नहीं दिखना ना यहाँ पे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एजेस को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, आप यहाँ से कट कर लो या यहाँ से कट कर लो। अभी सेलेक्ट करें आप यहाँ पे फेसेस, यहाँ पे सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट प्रेस किया और उसे उठा के मैंने साइड में कर दिया। अभी इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने के कैसे, एजेस पे गए, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन स्यू, ये आ गया, एजेस को सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे क्या है, मूव इन स्यू का ऑप्शन यहाँ पे होता है स्टिच टुगेदर, ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट को मुझे जोड़ना है तो किससे जोड़ूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, देखो ये पार्ट दिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ इस वाले एजेस को मुझे जोड़ना है तो मैंने यहाँ पे क्या है स्टिच टुगेदर कर देता हूँ पे, तो स्टिच टुगेदर ठीक है यहाँ पे। अभी ये देखो कैसे आ रहे हैं, कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट कहाँ का है, यहाँ का है। अभी ये ना तो प्रॉपर स्टेट है, ठीक है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो अब यहाँ पे, तो ये पार्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, मैं सेलेक्ट करके आप अब ये इज इट पॉसिबल स्टेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे स्टेट यू इज बहुत प्रॉपर यूर स्टेट सेल, ठीक है ऐसे ही आ रहा है ना। अभी मुझे टेक्सटिंग के लिए इन सब चीज़ों को स्टेट करना पड़ेगा, तो स्टेट कैसे कर सकते हैं ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एजेस को सिलेक्ट करता हूँ सबको और मैंने यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया। अभी कट करने के बाद ये एजेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस एजेस को आप सिलेक्ट करो, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करो, इतना सिलेक्ट करो, ठीक है स्टिच टुगेदर कर दो, ये अपने आप आ गया यहाँ पे। फिर से देखो यही स्टेप, अभी मुझे इधर का जोड़ना है, इधर का जोड़ना है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आपका अलग है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवीज टू सेल, कंट्रोल प्रेस करके टू सेल किया, डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, मूव एजेस पे गए, ये एजेस को सिलेक्ट किया एंड कट, कट कर दिया हमें। अभी यहाँ से मैंने इस साइज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या करो स्टिच टुगेदर, तो अपने आप सब जुड़ने के लिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो अपने आप ये चीज़ जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखेगा आपके यहाँ, हाँ देखो ये पार्ट कहाँ है, ये पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट एंड मूव यहाँ पे कर दिया, एजेस में है, एजेस में आकर कट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एजेस पे जाकर, ठीक है देन स्टिच टुगेदर, कहाँ है स्टिच टुगेदर ये कर दिया, ये देखो ये पार्ट कहाँ गई, यहाँ पे ये पार्ट आपका, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट हमें ओपन रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या किया, जितने पार्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट है स्टिच टुगेदर करते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टिच टुगेदर तो दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पर दिख रहा है। ओके ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी देखो ये पार्ट भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट करके यहाँ पे ध्यान देखो इतना पार्ट लिया मैंने। अभी ये पार्ट सेलेक्ट क्यों करें, ये भी ध्यान देना क्या, देखो ये वाला पार्ट मुझे सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर डिसलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है, कंट्रोल प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट, बाहर वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, बीच वाला पार्ट देखो सेलेक्ट हो गया, देखना है। अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टिच टुगेदर कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको छोड़ देना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि ये पार्ट स्टिच टुगेदर ये कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मैं जोड़ूँ तो ये जुड़ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एजेस पे गए, सेव राइट क्लिक मूव इन स्यू, ठीक है यहाँ पे एजेस पे गए, ये जब आसपास के जो एजेस होंगे ना ऐसे जो जुड़ने वाले नहीं है, यहाँ पे स्यू करना पड़ेगा, ये ध्यान देना क्या, ऐसे एजेस के लिए, ऐसे एजेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, स्यू 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 कर दिया। अभी देखो ये एजेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बीच वाला स्ट्रेट है, बाकी स्ट्रेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, स्वेप राइट क्लिक अनफोल्ड यू कर दिया, अनफोल्ड वी कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पार्ट ऐसा हो सकता है, या फिर मैं ऐसे करके मैं अनफोल्ड कर दूँ, तो यहाँ पे ये कैसे बिल्कुल अंदर श्रिंक हो जा रहा है, हमें श्रिंक नहीं करना क्या, अनफोल्ड किया, अनफोल्ड को देखना यू, अनफोल्ड में वी कर दिया, ठीक है अनफोल्ड कर दिया वी, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्यू सेव कर दिया। अभी मेरा मेन मोटिव क्या है कि इन एजेस को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, ताकि मैं टेक्सचर करते मुझे यहाँ पे दिक्कत ना हो। आपको दो तरीके से काम करना आता है,
एक तो आप यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, आपको टेक्सचर में इतना मैनेज करना पड़े, ये यूवीज को सही कर लो ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया दिस वन, इसे डिसलेक्ट कर दो। ये लाइन को स्ट्रेट करना है, कैसे करेंगे, स्ट्रेट यूवीज काम करेगा क्या यहाँ पे, देखें यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट को मैं यहाँ पे अलाइन कर दूँ, यहाँ पे एडजस्ट पे गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एजिस सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट देखना है, स्विफ्ट प्रेस करके एजिस सेलेक्ट कर दिया। डिसलेक्ट करना है, पहले कन्वर्ट करो, कंट्रोल प्रेस करोगे, राइट क्लिक करोगे टू यूवीज, यूवीज पे गए, इसको यूवीज पे जाने के बाद इसे डिसलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे डिसलेक्ट किया, स्टेट करना है स्टेट यूवीज, ये स्टेट हो गया, ठीक है। तो मैं अभी चीज़ों को स्टेट कैसे कर पाऊँ ये समझ में क्या, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मैनेज किया है। ऊपर वाला पार्ट आपको स्ट्रेट करना है, देखो ये पार्ट है, ये मैंने क्या किया, देखो अलाइन भी आता है क्या, आपको अलाइन का तो ऑप्शन आपको बता दें, यहाँ पे अलाइन पे गए, ये अलाइन आपको ऊपर स्ट्रेट करना है, ये ऊपर स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये एजिस है मेरे पास, यहाँ पे एजिस को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट एजिस सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, एजिस डबल क्लिक किया, कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके टू यूवीज, यहाँ पर आपको ये अलाइन करना, तो ये आप अलाइन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी है और इधर भी है, तो आप एडजस्ट को ऐसे स्ट्रेट करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको टेक्सचरिंग में तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, ये पार्ट सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये अलाइन कर दिया यहाँ पे, ये रखो अलाइन कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो कुछ ऑटो सेलेक्ट नहीं है, इनको थोड़ा सा डिसलेक्ट करना है, देन अलाइन करें, ठीक है। इन चीज़ों को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूवीज में जाकर अलाइन कर सकता हूँ, यूवीज में गए और सेलेक्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे हम लोग इतनी मेहनत किया तो किया क्यों, ठीक है। ये देखो अलाइन दिखना है, तो ऐसे करके भी मैं अलाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ठीक है, ये मैंने कहा था अलाइन, ये सा तो स्ट्रेट हो गया, ये पार्ट आप ऐसे भी अलाइन कर दो आप यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका ऐसे भी अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे अगर अलाइन करना है तो मैं अलाइन ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे अगर अलाइन ऐसे करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। जितना आपका देखो कॉर्नर बॉर्डर बढ़िया होगा यहाँ पे आपका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, सिक्स प्रेस करके देखो, 4 5 6 राइट क्लिक करना, साइन कलर चेकर्स, यहाँ देखो ये चेकर्स आपको कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ठीक है। अभी अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रोम पे गया, मैंने यहाँ पे एक ओल्ड वुड का टेक्सचर भी डाल के दिखाता हूँ आपको, इमेज किया मैंने यहाँ पे ओल्ड वुड, देखें यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, टेक्सचर कर देते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर डेमो पर्पस, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने सेव करता है यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज है मेरे पास यहाँ पे, इमेज को जस्ट मैं यहाँ पे सेव करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड सेव इमेज, ठीक है, ओल्ड वुड ये कर दिया। अभी ये इमेज मैंने सेव किया, ये इमेज को देखो आप यहाँ पे जाओ माया के अंदर, ये आपको जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने असाइन किया ब्लेन, ठीक है, ब्लेन असाइन किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे कर दिया ओल्ड वुड, ठीक है, कलर पे गए, यहाँ पे कर दिया मैंने, फाइल पे लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन वो टेक्सचर में कॉल करता हूँ जो टेक्सचर मैंने अभी डाउनलोड किया। देखो यहाँ पे देखना है, अभी यहाँ पे मैंने टेक्सचर लिया, टेक्सचर को मैं पे टाइलिंग रिपीट करता हूँ, मैंने कर दिया 3 टैप 3, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखे, मुझे रोटेट करना है, रोटेट कर दिया मैंने 45, ठीक है, 90 कर देता हूँ, 90 में दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, रिपीट यूज़ को यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैंने 1 ही किया, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं रिपीट को बढ़ाता हूँ, रिपीट में दिख रहा है टेक्सचर आपके पास यहाँ पे, यहाँ रखा मैं टेक्सचर कितना बढ़िया देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम एक बार के लिए ऑफ करते हैं, वायर फ्रेम में यहाँ पे कहाँ के ये है वायर फ्रेम, ये देखो देखो टेक्सचर कितना बढ़िया देख रहा है आप, टेक्सचर की कनेक्टिविटी, टेक्सचर का पूरा पार्ट, ये प्रॉपर आपको एक एक प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको दिख रहा है अगर टेक्सचर आपका सीधा है तो। यहाँ देखो पीछे देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये कितना ऑड लग रहा है हमें, यहाँ देखो यहाँ पे टेक्सचर का आपका जो पार्ट है वो बहुत ही प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट को आप ऐसे करके दिखा सकते हैं कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ। इसी में टाइलिंग कम करना है, टाइलिंग भी कम कर सकते हो, अगर लगता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टाइलिंग है यहाँ पे, रिपीट किया मैंने मैंने कर दिया 5 करके दिया, 5 में कैसे दिख रहा है, 3 करके दिया, 3 में कैसे दिख रहा है, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। वुड की जो डिटेलिंग है वो आपको ऐसे दिखेगा प्रॉपर,
ठीक है, राइट क्लिक ऑन मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे साइनिंग वाला पार्ट था, राइट क्लिक ऑन मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पार्कलर ऑफ कर दिया, यहाँ पे ये देखो साइनिंग वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये देखो ये आपको वुड का टेक्सचर ऐसे आपको यूज करना होगा क्या। तो अगर मेरे पास यूवी ठीक है तब मैं ये काम कर पाऊंगा, यूवी ठीक नहीं है तो दिक्कत है मेरे लिए। ठीक है, ये कलर टेक्सचर दिया यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट आगे मेरे साथ, अभी जल्दी से ऊपर वाला पार्ट कर लेते हैं। अभी देखो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप सेलेक्ट कर लो, आपको वहाँ पर आइडिया नहीं मिला आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, दिख जाएगा आपके पास ये पार्ट आपका कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया एजिस पे गया, ठीक है टूल किट है मेरे पास, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कट करना है कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यूवी पूरा सेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, उठा के यहाँ पे ले आया। ठीक है, ये लाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एजिस पे गए सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे एजिस, यहाँ पे क्या है स्टिच टुगेदर आगे अपने आप यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आपके पास यहाँ पे, बस आपको तो बेसिक पता होना चाहिए। देखो ये पार्ट आप यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पार्ट आप यहाँ से भी दे सकते हैं, सेलेक्ट किया आपने स्टिच टुगेदर कर दो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए ध्यान दो, जो सीम है ना ये सीम मेरा अंदर होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये सीम अगर ऊपर आ गया तो गलत हो जाएगा, ये व्हाइट सी जो लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड सीम, ये नीचे है तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं थोड़ा फॉर टाइमिंग में इसे भी यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ क्या, लाइक मैंने अभी क्या किया सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया कट कर दिया, तो अभी मैं क्या थोड़ा फ्री हूँ इसे सेलेक्ट करके इधर लेके जाने के लिए। अभी मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ, देखो अनफोल्ड नॉर्मल अनफोल्ड से कुछ काम हुआ, ये हो गया। देखो यहाँ पे ये ध्यान देना कि मैं यहाँ पे किस पे काम करने वाला हूँ, सेलेक्ट किया यहाँ पे देन अनफोल्ड किया, इसी पे होना चाहिए, दोनों पर नहीं होना चाहिए। अभी अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, अनफोल्ड में गए, अनफोल्ड यू कर दिया, अनफोल्ड वी कर दिया, ये पार्ट हो गया। इसको स्टेट कर सकते हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट में गए, ये पार्ट यहाँ देखो, ये पार्ट आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे टू सेल होता है, कंट्रोल प्रेस करो टू यूवी सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर मतलब कि कॉर्नर बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेगा, तो आप यहाँ से इसे आराम से डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ये डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे अलाइन कर लो, यहाँ पे देखो हो जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करो टू यूवी सेल बॉर्डर, मुझे यहाँ पे डिसलेक्ट करना है, मैंने ऊपर की तरफ ये कर दी, ये स्टेट हो गया, ये आपका स्टेट है। ठीक है, प्रॉपर आपका स्टेट हो गया। अभी इसी को हम लोग अंदर से क्या करेंगे, टू सेल बॉर्डर किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ प्रेस करके अपोजिट सेलेक्ट करता हूँ, अंदर के यहाँ पे इनको मैं अनफोल्ड कर सकता हूँ, तो अनफोल्ड किया, देखो अनफोल्ड कर दिया, अपने आप अनफोल्ड आ गया। देखो ये बीच में सही है, ये जो पार्ट है इसको मुझे अलाइन करना है इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या है अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड में सिर्फ यू पे चाहिए, देखो यू कैसे टेढ़ा हो गया, नहीं चाहिए, यू पे गए वी पे करते हैं, तो ये वी पे काम किया कि नहीं किया, यहाँ पे वी देखा। ठीक है, यहाँ पे गए सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड पे गए वी वी गए, तो अपने आप यहाँ पे अरेंज करके आ जाएंगे। तो ऐसे करके भी आप अपने यूवीज को स्टेट कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब इन पार्ट को अलग अलग भी रखते हो, जरूरी नहीं जोड़ के रखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, बी वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे फेसिस किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आप यहाँ पे, देखना ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट तो हमने यहाँ पे कर दिया है ना, ये वाला पार्ट बच गया मेरे पास, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ये देखो ये सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, बीच वाला पार्ट मिले इजी है, स्विफ्ट सेलेक्ट किया भाई, देखो ये पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको उठाया साइड में कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि स्पेस यूज करो। अभी कैसे करेंगे, फोर प्रेस करो, देखिएगा आपको यहाँ पर व्हाइट लाइन दिख रही है, इस लाइन को सेलेक्ट कर लो, इसका मतलब यहाँ पे सीम है, सिर्फ राइट क्लिक मूव इन सीम, ऐसे कर सकते हो, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे स्टिच टुगेदर है, देख रहे अभी ये चीजें सही तो आ रही है, लेकिन देखो ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो टेढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूवीज को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, पहला अलाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी सेलेक्ट करो स्टिच टुगेदर, ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट यहाँ देखो, यहाँ पे सेलेक्ट करते दूसरा पार्ट अपने आप सेलेक्ट दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या स्टिच टुगेदर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट किया सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड कर सकते हो आप यहाँ पे, अनफोल्ड किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ये अनफोल्ड होने में एकदम ऐसे श्रिंक नहीं होना चाहिए, अगर श्रिंक हो गया तो मतलब वो सही नहीं है, स्टेट सेल है, देखो यहाँ स्टेट सेल किया, अभी आपके पास काफ़ी चाहिए मैनेज जाएंगे, स्टेट यूवीज है, स्टेट यूवीज कर दिया, तो ये देखो दो बटन आपके यहाँ पे काम आ गया यहाँ पे।
अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रोटेशन देना है, तो रोटेशन के लिए हम लोगों ने कल कुछ टूल्स देखे थे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पर रोटेशन आता है क्या, रोटेशन में आ गए, ये रोटेशन दे दिया, रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ, रोटेशन आ गया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ देखो एजिस पे गया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये एजिस सेलेक्ट कर दिया, देखो अपने आप सारे पार्ट दिखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट को डिसलेक्ट करना, जो हमने नीट एंड क्लीन कर रखा है, डिसलेक्ट करना कंट्रोल प्रेस करके, एंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टिच टुगेदर कर सकते हो क्या, यहाँ पे देख रहे अभी कैसा आ गया, देखो यहाँ पे देखे ना, अभी ये चीज़ मेरे पास ऐसा आ क्यों है, क्योंकि ये पहले से ही टेढ़े मेढ़े है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एजिस को मैंने यहाँ पे क्या किया, कट कर दूंगा अगर यहाँ पे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के इसकी प्रॉपर्टी के साथ मैच कर जाएगा, यहाँ पे जैसे देखा था, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस वाले पार्ट को डिसलेक्ट करना आप यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हो, स्टिच टुगेदर करो, तो देखो अभी वो उसने टर्न नहीं किया, तो ये ध्यान रखना कि जब टर्न करने लगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक कर देना है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इतना पूरा पार्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ क्या रहा है, कंट्रोल प्रेस करके डिसलेक्ट कर दो आप, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपके पास है, अभी ये चीज़ें आएंगी कैसे, चीज़ों तो समझने की कोशिश करना क्या, देखो यहाँ पे कैसा है, 4 5 5 में दिखाते हैं, बीच वाला पार्ट हो गया, यहाँ वाले पार्ट में दिख रहा है बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पहले यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट किया, इधर का पार्ट सेलेक्ट किया, इधर से इस वाले पार्ट को डिसलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर में ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिख गया, ठीक है आ गया यहाँ पे। अभी ये स्टिच टुगेदर हुआ, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट है, जैसे मुझे यहाँ पे देखो वाइट लाइन दिख रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे चीज़ें जुड़ी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सीव करना है, कहाँ पे सीव करना है, कहाँ पे स्टिच करना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एक ही में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे सीव ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये कर दिया यहाँ पे, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सीव ये कर दिया, सेम चीज आपको यूवीज को स्टेट करना ही है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, यूवी सेलेक्ट किया, अनफोल्ड पे गए यू, बहुत अजीब सा जा रहा है, अनफोल्ड पे गए वी, ऐसा कुछ हो गया, ये ठीक है, दिस विल वर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, देखो ये दोनों सेम ही है, ये आगे वाला पीछे वाला सेम ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और आल्फा स्केल में कर सकता हूँ यहाँ पे इसको, इसके साथ में मैनेज करने के लिए पार्ट दिख रहा है भाई, मैं आल्फा स्केल इसके साथ में मैनेज कर सकता हूँ, मुझे आइडिया मिल जाएगा इसके साथ ऐसा है, अब ठीक है। अभी आपको अलाइन करना आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टू सेल बॉर्डर, कंट्रोल प्रेस किया, टू सेल बॉर्डर, एक एक करके काम करना स्टार्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसको आप क्या करोगे यहाँ पे अलाइन करो, अलाइन में कौन सा वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे कर दिया, टू सेल बॉर्डर, अब ये ठीक हो गया, या ऊपर वाला पार्ट को आप ऐसे कर लो, ठीक है, अप कर दिया, ये अप हो गया, नीचे वालों को कर दिया, ये डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेल बॉर्डर किया मैंने यहाँ पे, सेल बॉर्डर हो गया यहाँ पे, यहाँ से इतना पार्ट आपने क्या किया, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन ये काम आपका हो गया, तो आपका टेक्सचरिंग काम बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, देखो यहाँ पे क्या स्टेट, यहाँ पे ऑप्शन भी आता है क्या, स्टेट सेल है, स्टेट यूवीज है, देखो स्टेट यूवीज करने से अपने आप ये ऑटोमेटिक स्टेट कर देता है, तो ये भी एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट स्टेट यूवीज भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ सेलेक्ट किया टू सेल, देखो यहाँ पे ये पार्ट है, स्टेट यूवीज कर दो, ये स्टेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको उठा के यहाँ पे देखा, ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे काम करेगा। अभी मैं इन सब चीज को ऐसे फ्लैट कर दूंगा, यूवी का मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पे यूवीज मैनेज करके चलना है, यूवीज को अगर मैंने यहाँ पे मैनेज करके रख दिया तो मेरे पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 4 5 6 यहाँ पे देखो, ये कनेक्टिविटी दिखा आपके पास यहाँ पे, नंबर्स, ये नंबर्स अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है भाई यहाँ पे मैंने क्या क्या यूवीज है, सॉरी यूवीज टू सेल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये नंबर दिख रहे हैं। अभी नंबर्स में देखो यहाँ पे नंबर ऐसे जा रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच करो यहाँ पे, नंबर मेरे पास कैसे जाए, ये 1 2 3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो पीछे वाले को भी मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का प्रोसेस आपके पास है यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन, रोटेशन आपको पता है, रोटेशन आप यहाँ पे दे दो। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, सिमिलर ही रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने कुछ यहाँ पे एडजस्ट किया क्या, देखो
ये जो व्हाइट लाइन, ये सीम हमेशा अंदर रहना चाहता, मतलब ऊपर नहीं, ऊपर देखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट में दिक्कत आएगी। ये नीचे रखोगे, ये भी नीचे रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत मैंने जितने भी मैंने सीम बनाए सब व्हाइट कलर की जो लाइन है नीचे की तरफ, समझो, इससे क्या हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट अप्लाई करके जाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरे से ओल्ड वुड, अभी यहाँ देखो यहाँ पे वुड का टेक्स्चर कितना बढ़िया दिखेगा अपने यहाँ पर, वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर विजुअल होगा कि भाई वुड का टेक्स्चर है। वुड के टेक्स्चर को मैं यहाँ पे लिया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्टिंग में अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी करूँ, मैंने सिंपल वुड का टेक्स्चर अप्लाई कर दिया तो भी मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ देखो रिपीट है, रिपीट दिख रहा है, ये देखो तो यहाँ पे मेरे चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। भाई मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, प्लस में क्या चेकर्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये भी देखो यहाँ पे 4, 5 एंड 6 यहाँ पे देखा ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन कर दिया यहाँ पे चेकर्स, कलर चेकर्स करते हैं यहाँ पे। अभी सपोज मैंने 20 वाले पार्ट को मैंने बड़ा कर दिया, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। टू सेल किया मैंने यहाँ पे आफ स्केल, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो चेकर्स कितना छोटा आ रहा है, अभी ये बीच वाला पार्ट छोटा, ये सब बड़े बड़े, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने ओल्ड वुड टेक्सचर डालता हूँ यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या चीज़ बहुत बड़ी दिखेंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टाइलिंग ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं दिख रहा क्या, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करके रखेंगे, सब पे चेकर्स इक्वल आए। अब एक चेकर्स यहाँ पे सब इक्वल आएंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया दिखेगा, हमें यहाँ पे अपने टेक्स्चर को छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो ये पार्ट होता है हमारे पास चीज़ों को मैनेज करने का। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या यूवी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यूवी टूल किट में गए और हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल द पार्ट, अभी इस चीज़ को हम लोग लेआउट कर देते हैं। लेआउट किया यहाँ पे, अपने यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो वैसे चीज़ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर दिखेगा कि कैसे क्या काम कर रखती है। इसका तो ओल्ड वुड अप्लाई करो तो आपको आपको दिखेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं क्या, राइट क्लिक असाइन ओल्ड वुड, ये होता है देखो टेक्स्चर आपका बहुत बढ़िया दिखेगा क्या आपके। तो टेक्स्चर को आपको अभी यहाँ पर हम लोग प्लेसमेंट देंगे, ये मैंने बाई डिफॉल्ट टेक्स्चर दिखाया कि बाई डिफॉल्ट टेक्स्चर आपको देखो बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे देखो तो आपके यहाँ पे लुक एंड फील दिखेगा क्या। तो अनरैपिंग का कार्ड काम ये होता है कि आपको जो भी मॉडल है 3D मॉडल को अनरैप करके 2D में प्रॉपर कन्वर्ट करके दिखाओ, ये इसका काम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने काम कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे किया मैंने। अभी यहाँ पे जो मेरे पास चेकर्स है इसकी टाइलिंग में अगर मैं बताता हूँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 5 टैब 5, यहाँ पे आपको चेकर्स भी दिखेंगे, ठीक है। चेकर्स में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है कि भाई अगर पास कोई चीज़ें स्ट्रेच होंगी तो आपको दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसा मैं इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास कैपिंग इक्वल यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कम ज़्यादा है, तो जहाँ पे बराबर है देखो ये दिख रहा है यहाँ पे यूवीज यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें स्ट्रेच दिखेंगी, यहाँ पे एजेस पे गए दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मेरे पास एजेस ये पार्ट दिख रहा है, अभी मैं इसको यहाँ पे पास लेके आऊँ तो सही दिखेगा, देखो कितने पास में वो ऊपर दबाल, देखो कितने पास में। तो इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चलना है कि भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ पार्ट आ जाए तो मुझे कैसे क्या काम करना है। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो डबल क्लिक किया यहाँ पे, सिर्फ डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे ये पार्ट भी, यहाँ देखो यहाँ पे कोई चीज़ मेरे को देखो स्ट्रेच दिख रहा है, देखो ये स्ट्रेचिंग दिख रहा है अभी, यहाँ देखो यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं दिख रहा है, यहाँ कितना इक्वल है देखना अभी, तो ये गैपिंग का हमें ध्यान देना है। अभी मैं यहाँ पे मैनेज करके जाऊँ यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, मैं उसको स्ट्रेचिंग को मुझे यहाँ पे खत्म करना है। ये स्ट्रेचिंग कहाँ पर जा रहा है, ये एजेस मेरे पास कहाँ पे, वेज दीज एजेस यहाँ पे 4 प्रेस करो आपको दिखेगा आपके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या करना 4 एंड 5, ठीक है, 6 प्रेस करो आप यहाँ पे, तो देन इस वाले पार्ट को मैं अगर इधर लेके आता तो मेरे चीज़ सही आ रही है, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे यहाँ पे ठीक है, ऊपर नीचे करोगे ऊपर नीचे दिखेगा यहाँ पे, ऊपर नीचे होगा तो मेरे यहाँ पे चाहिए नजर आएंगे। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, मेरे यहाँ पे जो पी पार्ट है उन पार्ट को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये पार्ट मेरे देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे नॉर्मली मैनुअल भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया नॉर्मल मैनुअल भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पार्ट होगा आपको यहाँ पे अलाइनमेंट और बाकी चीज़ों को आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो मैनुअल काम करना पड़े मैनुअल भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसा कुछ काम करना तो ऐसे भी आप कुछ काम करके लेके दिखा सकते थे पहले, पैन सेट किया यहाँ पे पार्ट दिखा है मेरे को यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से, तो पेशेंस वाला काम है क्या, बस ये ध्यान देना पेशेंस का थोड़ा सा काम है, ठीक है। ये मैंने क्या किया ऊपर कर दिया लाइन, ये लाइन वाला पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा, बाकी स्ट्रेट करना चाहे स्ट्रेट कर दो आपके यहाँ पे,
चलो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ इन चीज़ों का आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने अब यहाँ पर जो जो अनलॉक होता जा रहा है उन चीज़ों को मैं हटाते जाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोर है मेरे पास, डोर को सिलेक्ट करते हैं दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि डोर वाला पार्ट मेरे पास ऐसा दिख रहा है, एक है ये सिमिलर ही है, तो मैंने एक को अनलॉक करना है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप ये चाहो तो आप प्लानर यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्लानर है, प्लानर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर सही आना चाहिए, राइट क्लिक करोगे यहाँ पर ऐसे भी दिखेगा आपको, ठीक है। अभी ये चीज़ आ गया, मुझे काम करते मुझे पता है, तो ये देखो आपको स्ट्रेच दिखेगा यहाँ पर, राइट क्लिक करना, साइन कलर चेकस करो, आपको स्ट्रेच दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो स्ट्रेचिंग है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यूवीज में गए, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, अनफोल्ड करके देखो, यहाँ पर अनफोल्ड में होता ही नहीं होता, बहुत ही अजीब सा आ गया, तो अनफोल्ड का बहुत प्रॉपर वर्क नहीं हुआ। सेलेक्ट किया ऑल्ट एच मतलब सेलेक्ट करो यहाँ पर, ऑल्ट एच के यहाँ पे 5 प्रेस करते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को अलग करते हैं। अलग कैसे करें, यहाँ पे ये अजीज सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद मेरे पास यहाँ दो पार्ट अलग अलग हो गए। ऊपर से सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ये फिर से सेलेक्ट कर दिए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्ट दिस वन एंड मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट डब्ल्यू एंड मूव, ये आपको देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैनेज करने का तरीका अलग बताता हूँ। सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड किया, यू कर दिया, देखो ऐसे जा रहा है, ये भाई उल्टा है, जब भी कभी उल्टा होगा तो ऐसे अपोजिट करेगा। अनफोल्ड पे गए, यू किया, ये देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबको सेट कर दूँ, यहाँ पे अनफोल्ड पे गए, यू कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे गए अनफोल्ड, वी किया, ये पार्ट ऐसा आ गया। यही काम मैं ऐसा अनफोल्ड करता हूँ, अनफोल्ड किया वी, देखो उल्टा है, उल्टा मतलब क्या कि नॉर्मल होते हैं क्या। देखो यहाँ पे उल्टे का एक चीज़ और दिखाता हूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो हमें उल्टा सीधे पता कैसे चलेगा यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से सेकंड नंबर बटन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लू है तो सीधा है, ये है तो आपको उल्टा है, रेड है तो आपको उल्टा है, ठीक है। तो ये उल्टे को सही कैसे करेंगे, कंट्रोल एंड स्पेस बार चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, फ्लिप, जो आपको बताया था मैंने, फ्लिप हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है। फ्लिप दिख रहा है यहाँ पे, टूल्स में गए, रोटेशन में गए, फ्लिप कर दिया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, अभी इनको सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, यू भी किया, ये देखो ये हो गया यू एंड वी में, देखो चीज़ें बहुत ही प्रॉपर होगी। तो देखो यहाँ पे चीज़ें अलग क्यों दिख रहा है, ये ध्यान दो, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं जुड़ाने का मतलब क्या है, अगर ये देखो यहाँ पे ये पार्ट अलग है, तो मैंने यहाँ पे क्या वर्टेक्स को लिया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। अभी चेक करो यहाँ पे, भाई 3 प्रेस किया यहाँ पे, सही है ना। यहाँ पे देखो यूवीज पे गए, दोनों के यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, एजिस पे जाके देखो यहाँ पे एजिस हैं, यहाँ पे क्या करो, सेव करोगे यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ, सेव टूल ले लिया मैंने यहाँ पे, देखो ये काम ऐसा हो जाता है, सेव टूल ऐसा हो जाता है। अभी देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे जब मैंने मॉडलिंग में किया, मॉडलिंग में ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये पार्ट जो कैसे ये खुलने नहीं देता है, डब्ल्यू प्रेस करो यहाँ पे, ये कॉर्नर वाले पार्ट को जो मैंने साथ में रखा है, इस वाले कॉर्नर वाले पार्ट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल कट, यूवीज पे गए, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे अनफोल्ड करके देखें यार, अनफोल्ड होता है कि नहीं होता, देखो अनफोल्ड हुआ, ये अपने आप आपका अनफोल्ड होकर दिख जाएगा आपके। अभी हमने इतनी मेहनत की, चलो हमने काम करने का प्रोसेस देखा यहाँ पे, अभी देखो इतनी मेहनत करने के बाद एक प्रोसेस आपको ईजी वाला भी बता दो, जैसे यहाँ पे किया ना यहाँ पे, तो अभी आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक बटन है, क्लिक करो तो ये देखो सारे पार्ट आपको अलग अलग दिख जाएंगे। अभी मैंने उतनी मेहनत की, मेहनत करने का मुझे फल भी मिला, चलो ऐसे किया मैं ऑटोमेटिक करके, देखो मुझे अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो ऑटोमेटिक सब काम आपका सही आया, बाकी इतने पार्ट को आपको जोड़ना है बस, तो वही काम है, चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कैसे भी कर लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक लेआउट कर दिया, लेआउट में आपके पास ये आ गया, ठीक है, सिंपल द पार्ट, 6 प्रेस करो आप यहाँ पे, चेकर्स आपको बहुत ही प्रॉपर स्क्वायर में दिख रहे हैं ना, तो ये आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फेसेस देखो, फेसेस कितने हैं, ट्राइज कितने, 32, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एजिस देखो, एजिस में चेंज है, यहाँ पे यहाँ 37 है, यहाँ पे 39 है, तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये मैं यूवी ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे इसका यूवी दिख रहा है, इसका यूवी ऐसा है, ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे गए मैस में, गए मैस में, गए यहाँ पे ट्रांसफर एट्रीब्यूट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो ये देखो दिखेगा नहीं, क्योंकि एक भी वर्टेक्स ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं करेगा,
यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया मर्ज वर्टेक्स कर दिया। यहाँ पे अभी क्रॉस चेक करो, यहाँ पे कितना 37, यहाँ पे देखो अभी दोनों सेम दिख रहे हैं ना। तो दोनों सेम आएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसमें गए ट्रांसफर एट्रीब्यूट यहाँ पे एंड देन कंपोनेंट यहाँ पे करके अप्लाई किया, तो देखो इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, दिस वन लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टेट यूवीज, ये स्टेट यूवीज नहीं होगा, बहुत अजीब लगेगा, स्टेट सेल करना है यहाँ पे, तो यूवीज लग के यहाँ पे स्टेट सेल कर दोगे आप यहाँ पे, ये कभी लगेगा कोई टेढ़ा मेरा हो तो सही कर देगा। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया डब्लू, अभी यहाँ पे तो और मुझे देखा ग्रिड के साथ ये कवर नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लेके चलूँगा क्या बुद्धि कर, ठीक है स्टेट सेल नहीं प्रॉपर काम कर रहा, हर बार सही काम नहीं करेगा ये ध्यान देना क्या। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, हल्का सा रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट आपका, ठीक है डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू से देखो यहाँ पे सही दिख रहा है, तो ग्रिड का यूज़ कर लेना है क्या आप, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे यहाँ पे सही है ओके। अभी देखो मैं फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, डिस्प्ले पे गए, शो पे कर दिया मैंने ऑल, यहाँ पे ये देखो ये मेरा फ्रंट है, तो फ्रंट वाला पार्ट मैं यहाँ से जज कर सकता हूँ, ये पार्ट मेरा फ्रंट है तो इसको मुझे मेन रखना है यहाँ पे, बैक वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे दिखाना नहीं है तो मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अभी मैं इन चीज़ को चाहूँ तो यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे जाके लेआउट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लेआउटिंग में है कि यहाँ पे देखो लेआउट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, दिस वन, और कहाँ गया मैश में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ठीक है। तो दिस वन एंड दिस वन सेम हो गया, तो यहाँ पे मुझे टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेकर डाल दिया कलर चेकर्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जब मैं ट्रांसफर करता हूँ तो ट्रांसफर में ये क्या होता है, फ्लिप होकर आता है उल्टा, देखो ये नंबर सही आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर उल्टे आ रहे हैं, ऑल टच किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे देखो फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप करने के लिए यहाँ पे क्या है, सेफ राइट क्लिक, ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे फ्लिप दिख रहा है यहाँ पे, फ्लिप सेलेक्ट करो, सेफ राइट क्लिक, फ्लिप होगा, ये काम नहीं कर रहा क्या, देखो यहाँ पे यहाँ से चेक करो, यहाँ पे करें यहाँ पे भाई फ्लिप कहाँ गया, फ्लिप ये चीज़ पर ध्यान देना, जब हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैं तो आता चीज़ों कैसे मैनेज करूँगा, यहाँ पे एडिट में डिलीट बाय टाइप भी होता है, डिलीट बाय टाइप, ताकि सारी हिस्ट्री डिलीट हो यहाँ पे, ठीक है। अभी चेक करो यहाँ पे भाई हमारे यहाँ पे जो काम करना है फ्लिप होगा कि नहीं होगा, अभी होगा ना, यहाँ पे नंबर सही आ गया, यहाँ पे नंबर सही आ गया, यहाँ पे रेड कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, समझ रहे बात को, कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आएगा क्या। इसको इसको अगर मैं एक साथ शिफ्ट एंड कंबाइन कर दूं यहाँ पे तो ब्लू हो गया, देखो हुआ ना। तो ऐसे करके हम लोग कंबाइन करके काम कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। बाकी जल्दी से मैं इनको क्या करता हूँ, मेरे पास ये बॉक्स देख रहे हैं, इन बॉक्स को जल्दी जल्दी मैं अनरैप कर देता हूँ, वन वन टू आपका यहाँ पे जो, ठीक है ये पूरा पार्ट यहाँ पे लिया यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट सेम है यहाँ पे, इन सबों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पार्ट इनको मैं लेके जल्दी से अनरैप कर देता हूँ। एक बार आपको बेस क्लियर हो गया तो आपको इन अनरैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी, मेजर मेजर पार्ट आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑल टच कर दिया। अभी अगर आपको प्रोसेस पता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या किया ऑटोमेटिक किया मैंने यहाँ पे, अब तो जल्दी से दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या काम करना। ऑटोमेटिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एजेस को सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाले एजेस को सेलेक्ट करना होता है, अंदर एजेस को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एजेस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मुझे एजेस को कौन कौन सेलेक्ट करना है, एक यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो एक एजेस ये डी सेलेक्ट करना है, एक एजेस ये डी सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले को आपको यहाँ पे एक को ही रखना है, देख रहे हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया एंड मूवमेंट सेव कर दिया, अपने आप जुड़ जाएगा। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, अभी ये पार्ट मेरे पास ऐसा है, ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेट यूज, स्ट्रेट यूज कर सकता है, स्ट्रेट सेल कर लो आप यहाँ पे, ये टेढ़ा मेरा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे करना क्या है, अंदर की तरफ एजेस रखना है, एक एजेस को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, या देखो सब ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, एक एजेस को छोड़ दो, शिफ्ट प्रेस किया मूव एंड सेव कर दिया, जुड़ गया यहाँ पे। ऊपर में किसी एक एजेस को पकड़ लो यहाँ पे, देखो ये एजेस दिख रहा है यहाँ पे, एक एजेस के सामने वाले ये पकड़ो, एक एजेस यहाँ पकड़ लो, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड सेव, ये ऐसे बॉक्स आपका अनरैप हो जाएगा। सेम चीज़ ये
चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, विंडो मैस किया, मैस पे गया, ट्रांसफर टू बिट, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अगर मैं जी प्रेस कर दूँ यहाँ पे तो ट्रांसफर टू बिट हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, जी प्रेस कर दूँ तो ट्रांसफर टू बिट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैग दिस वन एंड दिस वन, जी प्रेस कर दिया ट्रांसफर टू बिट हो गया, ये काम हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेम चीज़ ध्यान देना यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे सीम कहाँ चाहिए समझा था, सेलेक्ट किया दिस वन ऑल टच, सीम कहाँ चाहिए, सीम मुझे चाहिए यहाँ पे, ये आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट करो, कट एजिस पे जाओ, राइट क्लिक एंड एजिस, शिफ्ट प्रेस किया, देखो ये एजिस डी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसे देखो शिफ्ट प्रेस करके डी सेलेक्ट करो, बाकी को करो कट, शिफ्ट एंड मूव एंड शिफ्ट, ये आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी ये प्रोसेस एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हाफ ऑफ पार्ट है, आप हाफ ऑफ पार्ट भी करके रख सकते हैं अपने पे, ये भी अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो अनफोल्ड में आ रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेट सेल करना है, देखो दिख रहा है स्टेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट यूवीज में ऐसा मत करना है, जो शेप में बस मॉडल का हो वही यूवी का भी होना चाहिए, ठीक है। रोटेट करके यहाँ पे मैं चाहता मैं मैनेज कर दूंगा, ये काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो आप यहाँ से साइड से जोड़ सकते हो, इफ़ यू वांट, कोई जबरदस्ती नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो आप यहाँ पे स्टिच टुगेदर भी कर सकते हो, ये भी काम हो जाएगा। आप नीचे वाले को जोड़ना मत, नहीं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर चेकर्स, ठीक है, देखो आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे काम किया। अभी मुझे ये पार्ट भी चाहिए और ये पार्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे हम ऑल्ट एच कर देते हैं, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक पार्ट आपको दिख जाएगा आपके पास यहाँ पे, सारे पार्ट आपके पास अलग अलग आ गए हैं। सेलेक्ट कर दिया, मूविंग शुरू कर दिया, देखो दिख रहे हैं आप, इसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया, मूविंग शुरू कर दिया, ये पार्ट आ गया, ठीक है। अभी ये कोई पार्ट कौन सा बचा हुआ, ये पार्ट आपका यहाँ पे है, ये एजिस वाला पार्ट है, यहाँ पे मूविंग शुरू कर दिया आप यहाँ पे, बाकी यूवीज पे गए, अनफोल्ड कर दिया मैंने, अनफोल्ड कर दिया, तो देखो पार्ट आपका ऐसा खुल जाएगा आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा, ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। सीम को कट करना है, देखो यहाँ दिख रहा है, इसको मैंने कट किया, शिफ्ट एंड कट, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, मूविंग शुरू, ठीक है। अभी आपको लगता है भाई पीछे रखना ठीक है तो एलन वुड है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, यूवी जैसा आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये पार्ट सेलेक्ट कर दो, आपको यहाँ पे सेल आपको जाना है तो आपको क्या कहते हैं, लेआउट यूवीज कर दिया आपने यहाँ पे, लेआउट यूवीज में आ गया। बस चीज़ों को आपको रोटेट करके रखना है, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखाना है भाई, ठीक है। प्लेसमेंट पूरा आपको ध्यान देना है, ठीक है, फिर लेआउट कर दो, लेआउट में आपको यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे गए, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑल्ट टच कर दो आप यहाँ पे, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल दोनों ही है, तो पहले सिलेंड्रिकल ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। यूवीज में गए, यहाँ पे क्या किया मैंने, सिलेंड्रिकल कर दिया यहाँ पे, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट में यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना, तो मेरे पास ये मैनिपुलेटर है, प्लस का साइन दिखता है, क्लिक करो, रोटेशन पर क्लिक करो आप यहाँ पे, और इसको आप यहाँ से ऐसे मैनेज करो, जैसा प्रॉपर मैनेज करो, नीचे वाला पार्ट कितना बढ़िया खुल जाएगा यहाँ पे। अब यूवीज देख के भी आपको अंदाजा लग जाएगा, भाई देखो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ये मैंने किया आता था मेरे पास, ये पार्ट ऐसा कुछ आना चाहिए। क्लोज कर दो आप यहाँ पे, 80% आपका यहाँ पे सिलेंड्रिकल मेथड से हो गया। अभी बचता क्या, जैसे देखो दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे यूवीज, यहाँ सेलेक्ट कर दिया, टू फेसेस है ना यहाँ पे, यहाँ टू फेसेस कर दिया आपने यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानर कर देते हैं यहाँ पे, भाई प्लानर है मेरे पास यहाँ पे, प्लानर, ये प्लानर आ गया, ठीक है, उठा के साइड मोड़ दिया, ठीक है। अभी आपको पता है भाई प्लानर रेड आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्लिप करना चाहिए, तो फ्लिप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फ्लिप ढूंढो यहाँ पे, फ्लिप कर दिया, ये पार्ट आ गया, ओके। अभी देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे छूट गई है, ये पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को स्विफ्ट से कट किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे, एजिस को सेलेक्ट कर दिया आप यहाँ पे, स्विफ्ट राइट क्लिक, मूव एंड शिफ्ट, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे पार्ट आया, ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अनफोल्ड किया, ये देखो खुल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अनफोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा गया कि देखो ये एजेस अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा अलग अलग मैनेज करें, कैसे करेंगे यहाँ पे,
जैसे देखो ये पार्ट है मेरे पास स्फेरिकल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूवीज को गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कट कर दूँ तो यूवीज पे गया यहाँ पे, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया, देखें यहाँ पे, तो प्रॉपर आपका ये पार्ट ऐसे दिखेगा आपका। अभी ये पूरा पार्ट आपने सेट किया, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है अनफोल्ड, तो प्रॉपर आपका ये पार्ट दिखेगा आपके ऐसे। ये पार्ट हमने ऐसा कुछ किया, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे, रोटेशन मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देखो स्टेशन दिखेगा आपको, यहाँ पे स्टेट यूज करोगे तो बहुत ऑड दिखेगा, तो ये नहीं करना। यहाँ पे ये भी जानना है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होना चाहिए। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कलर चॉइस, ये दिन देखा यहाँ पे, ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखा यहाँ पे राइट क्लिक करना साइन, यहाँ पे ये कर दिया मैंने कलर चेकर्स, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या करता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे क्या कर डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल, यहाँ पे देखा यहाँ पे अभी ये पार्ट में यहाँ पे आ गए ये पार्ट। अभी इनको मैं क्या कर सकता हूँ, सबको कंबाइन करके मैनेज करूँगा, वन टू एंड थ्री ऑल टच किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या काम करना है सबको, तो पहले क्या करो, ये देखो ये पार्ट में यहाँ पे ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो सबको यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट करके सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेआउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो लेआउटिंग का आपका पार्ट यहाँ पे देखेगा, लेआउट ये लेआउट आ गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी इन सबों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबके चेकर्स इक्वल आने चाहिए क्या, अब किसके इक्वल नहीं है, देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये इसका बहुत छोटा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट ज़्यादा दिखना नहीं, तो जो पार्ट मेरे ज़्यादा दिखना नहीं है उसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने हाफ स्केल, ये पार्ट दिखना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सेट किया, डब्लू प्रेस किया, उठा के यहाँ पे लेके गए, और चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके बराबर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे ये बराबर यहाँ पे है, तो हल्का सा स्केल किया मैंने यहाँ पे लिटिल बिट, एजिस पे गए, एक एजिस सेलेक्ट कर दिया एंड मूविंग स्ट्रीम, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे ये चेकर्स मैच करने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका सेलेक्ट कर दिया। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूवीज टू सेल आल्फा स्केल छोटा करना, चेकर्स कैसे मैच हो रहा है देखो, यहाँ पे चेकर्स को इस टाइप से हम लोग मैच करके दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। अभी क्या किया, ये को काफ़ी तक सेम है, तीनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, कंबाइन है मेरे पास यहाँ पे कंबाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके लेआउट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, और लेआउट यूज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेआउट यूज है मेरे पास यहाँ पे, लेआउट यूज ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके हम लोग मैनेज कर देंगे। बाकी अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे स्पेस यूज़ करना है, तो इनको मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर इसको इसको मैंने यहाँ पे स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अभी इन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे ऐसे काम करूँ, तो ये पार्ट ऐसे कट रहा है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, मैंने यहाँ कट कर दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, मूव एंड सीव कर दिया, मूव एंड सीव है क्या यहाँ पे, ये कहाँ का पार्ट, यहाँ का पार्ट देखना यहाँ पे, यहाँ का एडजस्ट को आप सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट किया यहाँ पे स्टिच टुगेदर होता है, तो कहाँ गया स्टिच टुगेदर, ये आ गया आपका। ऐसे करके भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट एंड कट, ये पार्ट कहाँ जा रहा है, मूविंग सीव कर दिया। बाकी आपके पास यूवीज टू सेल है आपके पास यहाँ पे, स्टेट सेल है आपके पास, स्टेट यूवीज है आपके पास यहाँ पे, ऐसे करके आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। अब ये काम हमने किया, देखो स्पेस कितना यूटिलाइज किया, स्पेस को बचाना है क्योंकि आगे हमें बहुत सारा पार्ट हमें इसमें ऐड ऑन करना है। अभी ये जो पार्ट किया मैंने, ये पार्ट ये काम करेगा क्या, सेलेक्ट करो दिस वन कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये दोनों सेम ही है, आप चाहो तो स्केल करके भी कर सकते हो, लेकिन जब आप यू में आओगे ऑल टच किया मैंने यहाँ पे, इसको सेपरेट करोगे यहाँ पे, यहाँ पर सेपरेट है, तो ये एक कंबाइन, ये दूसरा कंबाइन, शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ का पार्ट है, अभी देखो दोनों के पॉलीगन सेम है, वर्टेक्स सेम है, तो अभी ये काम कर जाना चाहिए। सेलेक्ट करके ट्राई करें यहाँ पे, मैस में गए, अभी ट्रांसफर एट्रीब्यूट पे गए यहाँ पे, देन अप्लाई कर दें यहाँ पे, ये देखो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी। दिस वन ये कुछ अजीब सा भी दिख रहा है, यहाँ सही आ रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सही हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये पार्ट, ये दिस इज़ गुड, ठीक है। राइट क्लिक एंड सेपरेट किया मैंने यहाँ पे, इसको भी मैंने क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट ठीक है, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट आपका काम कर जाएगा, ये यहाँ पे दिक्कत आएगी। इसको सेलेक्ट किया,
इसको सिलेक्ट किया इनका, दिस वन एंड दिस वन, फिर से ट्रांसफर करो, अभी ठीक है। तो ऐसे करके भी काम करना पड़ जाता है क्या यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, तो अप्लाई कर दिया ये पार्ट आपके यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप इसे भी कंबाइन कर दो, उसे भी कंबाइन कर दो, ठीक है। ऐसे करके काम कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करना, साइन कलर चेकर्स, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे आप देखोगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 2 3, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। असाइन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या कलर चेकर्स मैंने दे दिया यहाँ पे, ये काम हो जाएगा। ऐसे करके चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को कवर कर दिया, ओके। बाकी आगे करेंगे।